16 साल की बालिका को गांव का प्रेजेंस कुशवाहा बहला फुसला कर ले गया। बरामद करने की लगाई गुहार। शिवपुरी खोड से एक नाबालिग बालिका लापता हो गई। आज तक बालिका को बरामद नहीं किया गया है। बालिका को खोजने की गुहार पीड़ित पिता ने एसपी से लगाई है। एसपी से शिकायत करते हुए पिता ने बताया कि 26 अप्रैल की सुबह 10 बजे नाबालिग पुत्री आयु 16 साल एक माह घर से न जाने कहां चली गई थी। जिस तलाश करने पर कोई पता नहीं चला व गांव से पता चला कि ब्रजेश कुशवाहा निवासी ग्राम खोड़ पुत्री को बहला फुसला कर ले गया। पुलिस चौकी खोड़ में धारा 363 का कायम किया गया, लेकिन नाबालिग पुत्री प्रियंका केवट आज दिनांक तक बरामद नहीं हुई है। पिता ने बताया कि पुत्री को भगा कर ले जाने वाला लड़का पुत्री के साथ किसी प्रकार की घटना दुर्घटना कर सकता है या करवा सकता है, इसलिए लड़के को गिरफ्तार किए जाने की मांग पिता ने की है। आरोपी का भाई पादुराम कुशवाहा, रामलाल कुशवाहा, भरत कुशवाहा, संगीता कुशवाहा, लक्ष्मी कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा, प्रमोद कुशवाहा करैरा व उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पुत्री को बरामद कर परिवार के सदस्यों को सुपुर्द किए जाने की मांग की है। आया था सीकरी में कोर्ट चौकी पर, सुनवाई नहीं हो रही मेरी बराबर, और जो उसके मेरी लड़की को लेके गया है वो लड़का, उसके साथ में उसका जीजा, उसका परिवार सहयोग कर रहे हैं। 12 दिन में अभी लौटे हैं तो मेरी बच्ची का पता नहीं, वो मार के फेंक के आए या उस कहीं बेच के आ गए, कोई सुनवाई नहीं है। अभी यहाँ आया हूँ तो एसपी साहब महोदय जी ने बोला है कि तुम धीरज रखो, आपकी बच्ची को ढूंढ के देंगे कैसे न कैसे, कि उनके अब यहाँ से पहुँची, वहाँ पे भी कोर्ट चौकी से भी फोन आने लगा मुझे, मैंने उठाया नहीं अभी, पर मेरी बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं है। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची मेरे को मिल जाए। कब से लापता है आपकी बच्ची? 26 तारीख से मेरी बच्ची लापता है। कितनी उम्र है उसकी? 16 साल एक महीने की मेरी बच्ची है। कौन लेके गया है? ये रामलाल काची का लड़का है, बृजमोहन कुशवाहा, उसके जीजाजी का नाम है प्रमोद कुशवाहा करैरा वाला, और करैरा वाले की जो पत्नी है लक्ष्मी बाई, और उसके क्या नाम उसका बृजमोहन, उसकी भाभी का नाम है संगीता बाई। ये दोनों महिला ने मेरी बच्ची को कुछ खिला पिला के वेला फुसला के वो लेके गई साथ में, बाद में अभी मुझे जानकारी मिल रही है। और मेरा जो बच्चा है एक छोटा सा, तो उसके परिवार वाले बोलते हैं तू ज़्यादा कार्रवाई करेगा महुए के पेड़ पर तेरा बच्चा टंगा मिलेगा, तू जा एसपी न जा, कलेक्टर न जा, कहीं भी चला जा, लड़की तुझे देंगे नहीं, वो मिलेगी नहीं। तो क्या क्या आपको क्या लगता है आपकी लड़की उनके लड़के से प्यार करती है, क्या है मतलब कुछ? मेरी लड़की मेरे घर पर रहती थी, अब मैं बाहर काम करता था, मुझे पता नहीं स्कूल लड़की जाती है लड़का जाता है, अब बाहर का मैटर का मुझे क्या पता है। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र मेरी की 16 साल एक महीने है। लड़की की? लड़का होगा 18-19 साल का लड़का है। कौन सी पढ़ता था वो लड़का? 12वीं पास कर लिया शायद उसने ऐसा। लड़की ने 11वीं पास किया अभी। तो लड़की कैसे रात में चली गई थी उसके साथ में? नहीं, दिन में लड़की गई आधार कार्ड बनवाने जा रही थी पिछोर, एक बार और भी गई थी तो घर पे बोल गई पापा मम्मी मैं अपना आधार कार्ड लिंक कराने जाती हूँ, तो हमने बोला ठीक है चले जाओ बेटा। उसके बाद में परमाल को देखा, बस चलती है कोर्ट से शिवपुरी पिछोर, तो उस पर देखा लौट के नहीं आई। इसके बाद अपन ने खाना तलाशी की तो वो लड़का भी गोल, और उसके घर वालों ने पूड़ी बना के रखा है उसके लड़के के लिए, जो लड़का है ना वो घर वालों को बोल के गया मैं काम पे जा रहा हूँ, तो उसके साथ में वो लड़की गई है। तो लड़की से संपर्क हो पाया आपका? अभी तक मिली नहीं लड़की, अभी आई नहीं, पता ही नहीं अभी तक। लड़का लौटे आया? लड़का नहीं लौटा, लड़का उनके साथ में है। और उसके परिवार वाले? वो परिवार वाले 12 दिन बाहर रहे, उसके बाद में घर आ गए, बोलते हैं तुम्हें जो दिखाए कर लो, एसपी ना जाओ, कलेक्टर ना जाओ, कुछ नहीं कर सकते हो ऐसा। आपका नाम क्या है? मेरा महेश केवट नाम है। कहाँ रहते हो आप? मैं खोड़ कॉलोनी में रहता हूँ, गरीब आदमी। लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का भी उधर ही रहता है मोहल्ले में मेरा। कौन समाज है वो? कुशवाहा है, मैं केवट हूँ।